हेलो बच्चों, 529 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम देखेंगे। तो वर्गमूल को आप कैसे लिखते हैं? अंडूर से लिखते हैं। यहाँ पर हम भाग विधि काम में लेंगे, तो भाग विधि में करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, तो एक बच्चा जवाब दे रहा है कि सर हम दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे इस तीर के निशान की दिशा में आगे बढ़ते हुए। फिर अंदर में कितना एक अंक की संख्या आ गया, कितना पाँच। इसके लिए एक संख्या का चुनाव करेंगे, ये संख्या लेंगे एक से लेकर नौ तक, जिसका खुद के साथ गुणा करने पर इस पाँच से बढ़ाना हो। लगाओ दिमाग। तो हमने लिया दो गुणा दो कितना होता है, चार। एक बार इसको यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। ऊपर से जो दो अंक हमने अंडरलाइन किए उसको यहाँ नीचे ले आएंगे। फिर वही लगाओ दिमाग, इसके साथ कौन सी संख्या लें उसी का गुणा करें कि 129 से बढ़ाना है। तो हमने लिया तीन, तीन का गुणा किया कितना आ गया, नौ। चार त्री बारह। फिर घटाया, जीरो आ गया। जीरो आ गया, आगे कोई संख्या नहीं, मतलब प्रक्रिया पूरा आ गया। यह वे जो वैल्यू है कितना, 23। ये आपका आंसर है। तो देखिए कितना सिंपल है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।